हाइड्रोलाइसिस हो गया था क्या? ऑक्सी एसिड चालू करना था, ये हो गया चालू, हो गया चालू, हो गया। अच्छा ये बताओ जरा, क्या प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस वाइन प्लस सेवन वाले कर लिए थे आपने क्वेश्चन? बताओ प्लस सेवन के लिए क्या परिक लगाते हैं? वो हाइपर की जगह क्या हाई काट देते हैं क्या? मुझे बताओ जरा, नाइट्रोजन के ऊपर ऑड नंबर की आती है या इवन? बताओ इवन नंबर की आ जाएगी तो अजीब हो जाएगी। मुझे बताइए जरा, नाइट्रोजन के ऊपर ऑड आया तो फॉस्फोरस के ऊपर भी क्या आएगा? ऑड। क्लोरीन के ऊपर? सल्फर के ऊपर? इवन। मुझे बताइए जरा, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि बेंजोइक एसिड पे जब ओ ओ एच लगा देते दे तो उसका नाम पर बेंजोइक? मुझे बताइए, आपने पर क्लोरिक एसिड पढ़ा था? क्या आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि कौन सा ट्रू पर एसिड है? बताओ ट्रू पर एसिड कौन सा होता है, मुझे बताओ, जिसमें परॉक्सी लिंकेज हो या ना हो। ओ, अगर नहीं होगा तो ट्रू पर एसिड नहीं होगा। मुझे बताओ HNO4 जो होता है, बताइए जरा HNO4 का स्ट्रक्चर बना दोगे क्या फटाफट? बताओ जरा, NOOH ऐसे ही बनता है क्या? बताओ डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, बताओ सही है कि गलत है? ये गलत है। मुझे बताइए क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो लगा दूं? ये HNO4 का स्ट्रक्चर है, बताओ इसमें ये परॉक्सी लिंकेज है, बताइए जरा ये भी परॉक्सी लिंकेज है क्या? ये H और ये H, बताओ ये F और ये F लगा दिया, क्या परॉक्सी लिंकेज समझते हो आप? उसमें ओ ओ देख के परोक्सिलिंग के नहीं चिपकाना होता। मुझे बताओ क्या ओ के ऊपर क्या माइनस वन भी होना चाहिए? मुझे बताइए, आपने हाइड्रोलाइसिस में एंड वाला जो टाइप पढ़ा था उसमें आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कि उसमें वेकेंट ऑर्बिटल हो जिसके ऊपर प्लस हो और वही बुलाना चाहिए और उसका कोऑर्डिनेशन पर प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, क्या ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं? मुझे बताइए जरा, एक्सी एफ टू एक्सी एफ फोर एक्सी एफ सिक्स के हाइड्रोलाइसिस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स क्या एक्सी एफ फोर में बने थे? किसी का एक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी हुआ था क्या? XZF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ था। बताइए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने की कंडीशन होती है, बताओ जरा, क्या बॉन्ड लेंथ अलग अलग टाइप की हो? तो बताओ पहले वो बॉन्ड टूटेंगे जो वीक हैं। इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस दो पार्ट में, यानी पार्शियल भी होता है। मुझे बताइए जरा, दो और थे जिसमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ था, जिसमें SbCl3 और BiCl3 था। बताओ SbCl3 और BiCl3 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्यों हुआ था? बताओ क्या उसमें पार्शियल आयोनिक करेक्टर था? बताओ Sb और Bi जो है उनमें मेटेलिक गुण आ जाता है जिसके कारण वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड्स बनने लगते हैं वो थोड़े थोड़े आयनिक फॉर्म में होने लगते हैं। ये आपने पढ़ लिए हैं, टोटल चार पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, टोटल चार पढ़े थे आपने, मैं आपको याद दिलाऊं। बताओ XZF6 पढ़ा, और कौन सा था? ये दो तो अभी याद दिला दिए, एक और था PCl3 था या PCl5? PCl5 क्यों, क्या इसमें भी बॉन्ड लेंथ अनिकोल है क्या? बताओ PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, sp3d में ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बताओ ये छोटे और ये लंबे, मुझे बताइए जरा, अबे उल्टा हो गया क्या? ये क्या होते हैं? ये लंबे, ये नाम नाम इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। मुझे एक बात बताइए जरा, क्या अगर आपसे बोला जाए कि XZF2 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, XZF2 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो बताओ जरा लोन पेयर है तीन, इसमें तो क्या ये बीच में लगेंगे या ऊपर नीचे? बीच में लगते हैं। बताओ क्या फ्लोरीन ऊपर नीचे लग जाता है? क्या आपको बेंट रूल का नाम लिया था क्या? मुझे बताओ उसने क्या यही कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आ जाए तो वो ऊपर नीचे लगेगा और लोन पेयर अगर आ जाए तो वो बीच में लगेगा? बताओ परसेंटेज एस करेक्टर कहां पर होता है, बीच में या ऊपर नीचे? बीच में। क्या पर बेंट रूल याद है आपको थोड़ा बहुत? ऑक्सी एसिड में आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑड, क्लोरीन के ऊपर ऑड, फास्फोरस के ऊपर ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। बताइए जरा H4P2O6 ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसकी, फास्फोरस की। बोलो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या प्लस फोर है? अगर फास्फोरस पे हाईएस्ट बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होती है। बताओ क्या ये एक एसिड है या अस है? एक। मुझे बताओ क्या ये अस होगा या एक से थोड़ा छोटा? बताओ अस वाला क्या ये होता होगा? ये एक, ये अस, तो ये क्या? हाइपो एक। तो बताओ इसका नाम क्या है? हाइपो फॉस्फोरिक एसिड HNO2। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, नाइट्रोजन पे प्लस थ्री। बताओ इसमें HNO3 में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस फाइव, नाइट्रोजन पे प्लस वन, नाइट्रोजन पे प्लस थ्री और नाइट्रोजन पे प्लस फाइव। बताओ इनमें से कौन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता? प्लस फाइव वाले का। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? बताओ इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बताओ क्या इसका रिडक्शन हो जाएगा? मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? पर रिडक्शन हुआ 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 ए, इसका ऑक्सीडेशन होगा पर इसका रिडक्शन अबे होगा ना? नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री होती है भैया,
नाइट्रोजन -3 से +5 तक जा सकता है, बताओ क्या यहाँ पे ए जो होते हैं ये जो दोनों हैं, बताओ इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है क्या? क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन? मुझे बताओ क्या क्लोरीन ने पानी के साथ जब रिएक्शन करी थी तो क्या ऐसा ही हुआ था? मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रो HCl और HCl निकल गया था? बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपको कुछ जी। ये बच्चा फेंकता है भगवान, ये नहीं भूल पाओगे बाप। मुझे बताइए जरा क्या क्लोरीन की ब्लीचिंग भी होती है क्या? बढ़िया ब्लीचिंग, घटिया घटिया घटिया, बढ़िया बढ़िया। सामने वाले को अगर कोई बच्चा खिलाते हुए तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, बढ़िया या घटिया? बताओ ओजोन भी होता है क्या? बढ़िया। मुझे बताओ SO2 भी क्या बाद में बच्चा खिला देता है? SO2 सामने वाले का रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन? सामने वाले की रिडक्शन करके ब्लीचिंग करेगा। बताओ रिडक्शन करने वाली ब्लीचिंग जो होती है वो परमानेंट है टेम्पररी? टेम्पररी। गीली ब्लीचिंग करेगा या सूखी? बताओ सूखी वाली तो ओजोन करेगा। क्या आप बिल्कुल भरे भराए बैठे हैं? मुझे बताइए जरा क्या क्लोरीन ने पानी के साथ तो रिएक्शन करती थी, वो तो समझ में आ गया। क्लोरीन की डाइल्यूट NaOH, क्लोरीन की कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन याद आएगा? बताओ डाइल्यूट NaOH की सुनाओ। NaClO प्लस NaCl कंसंट्रेटेड के साथ, इसमें NaClO3 हो जाएगा प्लस NaCl। क्लोरीन की लाइम के साथ रिएक्शन भी याद है आपको, पढ़ी है ना हमने। बताओ ब्लीचिंग पाउडर बन गया था CaClO का होल ट्वाइस प्लस CaCl2, जिनमें मैथमेटिकली अपन ने ऐड करके उसका एक फॉर्मूला भी बनाया था, भूलना मत ना। उस क्लोरीन में दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +1 और -1। बताओ फ्लोरीन जब पानी के पास जाएगा तो क्या इसकी धज्जियां उड़ा देगा? बताओ इसका मतलब क्या, ये फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन छीनने क्या देते देने की या छीन लेगा? मुझे बताओ जरा क्या इससे किससे छीनेगा, H के ऊपर प्लस से या O के ऊपर -2? O के ऊपर -2 से छीन लेगा। बताओ क्या O-2 क्या O2 में जल जाएगा? बताओ ये ऐसा का ऐसा काम क्या क्लोरीन कर पाता है? ब्रोमीन तो कर ही लेता होगा, जब क्लोरीन ही नहीं कर पा रहा तो ब्रोमीन क्या करेगा? ये समझ में आई बात? तो ये जो सब बातें थी आपने पढ़ रखी हैं, मुझे बताइए जरा HNO2 पे मैं वापस आ जाता हूँ। HNO2 की मैं बात करना चाह रहा था, बताइए नाइट्रोजन के ऊपर +3 है, आपको ये बात अभी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है क्या? इट इज अनस्टेबल एसिड, ध्यान रखेंगे अब से दिमाग में रखते जाइएगा बात, नई चीज चालू कर रहा हूं, ये अनस्टेबल एसिड। अब अनस्टेबल एसिड है तो इसका क्या होता होगा, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होता होगा, एक तुक्का मारो, नाइट्रोजन +3 से बड़ी में किस में जाता होगा? +5 में। तो बिल्कुल सही तुक्का मारा आपने, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरा एक और जो जुगाड़, जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये यहां चला गया, और जब ये रिड्यूस होगा तो नहीं पता कहां जाएगा, नहीं पता ना यार, कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 से नीचे कई हैं, +1 है, +2 है, 0 है, माइनस में भी जा सकता है, बहुत सारी। तो इसलिए अपन को अब तुक्का नहीं मार सकते, अपने को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर अपने को ये याद करना पड़ेगा कि +5 और +3 का आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 2, तो 2 का प्रोडक्ट बना दो N+2 का। अब बोलो N+5 का प्रोडक्ट HNO3, इसका बताइए। ऑक्सी एसिड मत बनाइए, क्योंकि ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन के ऊपर +1, +3, +5 होता है। बताइए क्या NO बना दूं क्या? मुझे बताओ ये क्या वो है क्या जो भूरा लाल होती है? ये वो नहीं है। क्या ये वो है जो डेंटल सर्जरी में काम आती है? क्या ये वो है जो ये न्यूट्रल होती है? मुझे बताओ फायरवर्क्स में काम आती है? ऐसा कुछ नहीं है, NO ये बनेगा। ध्यान रखना आप बात को कि HNO2 का जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो HNO3 प्लस NO निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब एक सीक्वेंस देखिएगा, आपने बचपन में ऐसी एक रिएक्शन पढ़ी होगी CH4+O2, बड़े प्यार से मैडम इसको समझाती थी, बोले देखो
CH4 प्लस O2 की रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन पढ़ी थी आपने, ये उसी दिन की बात है जब आपने C प्लस O2 पढ़ा था। उसी दिन ये पहली रिएक्शन ये थी और दूसरी या तीसरी रिएक्शन ये होगी। उसी दिन जो है ये देखिए, मुंह बहुत चलता है इस आदमी का। हाँ, देखिए CH4 प्लस O2, तो उस टाइम ये सिखाया गया था आपको कि इसको कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं, क्या आपको याद है? बताओ, इसमें ऐसा बोला था कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। और ऐसे ही आज ये तीन बातें ध्यान रखना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आपको, आगे की दो तीन रिएक्शन और सॉल्व हो जाएंगी। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तीनों के हाइड्राइड्स में जब ऑक्सीजन मिलाएंगे तो उसमें वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन को लेके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन का हाइड्राइड मिलाया तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन को ले गया और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को ले गया। बताओ क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है? क्या इसमें पानी बन जाता है? क्यों भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं बन गई? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनस्टेबल। कार्बन के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन की कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कई क्या, दो फेमस हैं, +2 और +4। तो +4 आपने बना दिया, भैया समझ में आ गई कि CO2 प्लस NH2O बन गया। जैसे मान लीजिए मैं बोरोन की एक हाइड्राइड लिखता हूं B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, आपको पढ़ाया जाएगा अभी थोड़े दिनों में, पढ़ते हैं अपन इसको, डाइबोरेन B2H6 प्लस O2। अब इसमें भी यही होगा, यह बोरोन इस ऑक्सीजन को ले जाएगा और यह हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन को ले जाएगा। अब बोरोन इस ऑक्सीजन को जब ले जाएगा तो बोरोन की ऑक्साइड बन जाएगी B2O3 और पानी बन जाएगा। इसको बोलते हैं बोरोन सेस्की ऑक्साइड, NH3 प्लस O2। नहीं भूल पाएंगे अब आप, गुड, पर इसका नाम सेस्की ऑक्साइड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? NH3 प्लस O2, सेम जैसे बोरोन का हाइड्राइड में O2 मिला है तो ये बोरोन भी ऑक्सीजन को ले गया और हाइड्रोजन भी ले गया, ऐसी कार्बन भी ले गया, ऐसी नाइट्रोजन भी ले जाएगा। अब मुझे एक बात बताना आप, अरे चुप, बीच में बोलता रहता पागल। बोरोन के ऊपर +3, बोरोन पे हमेशा +3 ही होता है हमेशा। आपको एक बार की बात है केमिकल बॉन्डिंग में एक बात बोली थी, कुछ लोगों को याद आने लग गई, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड, मतलब गुड, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता बोरोन। ये बात इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्लियर होगी, ये बात भी बोली थी कि बोरोन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, वो +3 पे ही बनाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में ही बनाएगा। बोरोन के ऊपर +3 ही होती है, जैसे फ्लोरीन के लिए होता है -1 ही होगा, वैसे ही बोरोन पे भी +3 ही होता है, स्ट्रिक्ट है एकदम। आपको बोरोन कहीं भी दिख जाए तो उसमें +3 मार के आ जाना, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस ना हो, और वो है नहीं आपके सिलेबस में। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोरोन पे अगर लिख रहा है यहाँ पे कुछ कंपाउंड तो आपको बोरोन पे +3 ले लेना है, ये बहुत आसान सा है। तो बोरोन पे +3 दे गया। अब बोरोन की कोई दूसरी ऑक्साइड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बोरोन पे +3 ही होता है। कार्बन के ऊपर +2 +4 दोनों होते हैं, तो CO भी बन सकता था, CO2 भी बन सकता था। CO2 इसलिए बनाया क्योंकि CO2 स्टेबल है। CO जो होता है वो फिर से ऑक्सीजन खाके CO2 में बदल जाता है, इसलिए CO2 बनाया। अब नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की ढेरों ऑक्साइड है, NO, N2O, NO2, N2O5, N2O3, ये जो ऑक्साइड्स हैं इनमें से कौन सी बने ये बात का पता नहीं है आप, पर हाँ ये गारंटी है कि नाइट्रोजन की भी इधर ऑक्साइड बन जाएगी और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी लेके निकलेगा। समझ में आ गई आपके पास? अब यहां वही गैस निकलेगी, यहां वही ऑक्साइड निकलेगी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। क्या लिखा था मैंने, कुछ कौन सी लिखी थी? NO, न्यूट्रल, लाफिंग गैस नहीं, न्यूट्रल। N2O भी एक न्यूट्रल है। अच्छा, CO2 भी न्यूट्रल होती है, CO न्यूट्रल होती है। तीन रट रखी है आपने, कौन कौन सी? CO, NO, N2O। क्लियर है बिल्कुल बात की, तीन न्यूट्रल रट रखी है, CO, NO, N2O। इसमें से भी NO ही निकलेगी और उसमें से भी NO ही निकली थी जब डिस्प्रोपोर्शनेशन पड़ा था, HNO2O से HNO3 प्लस NO बना था, और यहां पे भी NO ही बनेगा। ये पहली रिएक्शन है ओस्टवाल्ड की,
एन एच थ्री प्लस ओ टू गिव्स एनओ, मैं एच टू ओ नहीं लिख रहा, ये एन एच थ्री प्लस ओ टू गिव्स एनओ। ये सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन है, अक्सर इसको भूल जाया करते हैं स्टूडेंट्स की भैया ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में यही एक रिएक्शन है पहली जो भूली जा सकती है, बस बाकी और कुछ रिएक्शन आप नहीं भूलेंगे। एनओ ली वापस से और इसमें ओ टू फिर से मिला दिया, बताओ क्या एनओ प्लस ओ टू गिव्स एनओ टू, ये रट गई, कुछ भी नहीं है इसमें। एनओ प्लस ओ टू गिव्स एनओ टू, एन एच थ्री प्लस ओ टू गिव्स एनओ, एनओ प्लस ओ टू गिव्स एनओ टू, वो एच एनओ टू का डिस्प्रोपोर्शन बताना क्या हुआ था, क्या क्या बना था, एच एनओ थ्री प्लस एनओ, वापिस बोलो, एच एनओ थ्री प्लस एनओ, एच एनओ टू पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एच एनओ टू में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन प्लस थ्री, प्लस थ्री बताओ, प्लस थ्री से क्या प्लस फाइव गया, और प्लस थ्री से प्लस टू गया, ये जाने के लिए आपने वो डिफरेंस ले लिया था जिससे हिंट लग गई। तो मैं आपको, मैं हिंट देते देते ये बात समझाता जा रहा हूँ, लिंक भी कर रहे हैं अपन इस बात को कि भैया यहाँ एनओ बनी, ये न्यूट्रल है, वही एनओ बनी जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में बनी थी, ये एनओ, एनओ में ओ टू मिलाया एनओ टू बन गया, सो सिंपल, ये सेकंड रिएक्शन बड़ी आराम से याद हो जाती है। फिर एनओ टू में पानी मिला दिया, अब ये पानी वाली रिएक्शन आनी चाहिए आपको, बताओ हाइड्रोलाइसिस में आपने टाइप वन पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक होती हैं उनमें अगर पानी मिलाया तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलता है। मुझे बताओ यहां नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, बताओ ये नॉर्मल है या अजीब, नॉर्मल होती तो क्या ऑड नंबर आता, ये इवन नंबर है, बताओ इवन नंबर में जब पानी मिलाओगे गुड, दो एसिड मिलेंगे या एक, दो दो अलग अलग मिलते हैं या एक मिला, मुझे बताओ एक ऊपर का एक नीचे का, बताओ एच एन ओ थ्री मिल जाएगा एक को और एक एच एन ओ टू मिल जाएगा, मुझे एक बात बताओ एच एन ओ टू का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, बताओ डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या एच एन ओ थ्री प्लस एनओ, बताओ एनओ की रिसाइकलिंग हो जाएगी, समझ में आ गई बात, एनओ की होगी रिसाइकलिंग और बन गया ये एच एन ओ थ्री, फाइनली आपको एच एन ओ थ्री मिलेगा। ध्यान से देखो, मैं हटा रहा हूं उसको, मुझे मत देखो, इधर देखो ध्यान से, मैं अश्लील हो तुम, देखिए टीचरों को भी बिगाड़ देते हो, देखो सीधा साधा मास्टर घुसता है बैच से बाहर निकलते निकलते अजीब सा हो जाता है। हाँ जी बताइए, सुनाइए ओसवाल्ड, ओसवाल्ड सुनाइए, एन एच थ्री प्लस ओ टू, अबे एक मिनट, ये क्या नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन की भी ऑक्साइड, हाँ बताओ क्या बन जाएगा, एनओ प्लस एच टू ओ, एच टू हटाओ, हाँ एनओ, एनओ में पानी मिलाया, ओ एनओ में ओ टू मिलाया, एनओ टू, एनओ प्लस ओ टू गिव्स एनओ टू, फिर एनओ टू में पानी मिलाया, दो एसिड अलग अलग मिले, ये पुराना पढ़ रखा होगा तो आएगा एच एनओ टू और एच एनओ थ्री, किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, एच एनओ टू का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, फिर एच एनओ थ्री प्लस एनओ बना, एनओ की रिसाइकलिंग हो गई, ये लास्ट रिएक्शन में आपने क्या पानी मिला के बनाया था, इसलिए एच एनओ थ्री में भी पानी का कंटेंट आ जाते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं मिलता तो उसका पानी निकालना पड़ता है, पानी निकालने वाले एजेंटों को बुलाया, इन्हें बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, कंसंट्रेटेड एच टू फोर, ध्यान से देखिएगा मैं हटाऊंगा इन्हें, पी फोर ओ टेन, अच्छा चूने आपने देखा चूना जो है, अरे तुम यार बहुत बीच में ऐसे मत करो अब ज्यादा, सी ए ओ की वो लेना पत्थर का टुकड़ा, लाइम का टुकड़ा लेना, वाह यार क्या बात है, लंप ऑफ लाइम कहते हैं क्या उसे, थोड़े पिंडकों को कहते हैं बड़े, बस छोटा टुकड़ा लिए ठीक है, चलो लंप ऑफ लाइम कम से कम याद तो है तुम्हें, बहुत बढ़िया बात है, सीमेंट भी याद है तुम्हें, जी जी, अरे अरे जी भटक जाएंगे, एक मिनट रुकी है, सी ए ओ को थोड़ा सा ऐसे ही पानी दिखा दो, वो खींच लेता है पानी को, सी ए ओ और एनहाइड्रस सी ए सी एल टू, ये चार डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब मेरी बात को आप ध्यान सुनिएगा, इनको बोला, बोले जाओ
HNO3 को सुखा के आओ। ठीक है साहब, CAO को भेजा। मान लो जैसे अभी पता नहीं कैसे हुआ, पर एक दिन ऐसा हुआ कि आपके सामने जो है वो कैटरीना कैफ आ गई। क्या ऐसे पहले भी हुआ है क्या कभी? मतलब पहली बात हुई है क्या अभी अपनी? कभी ऐसी नहीं हुई। आ गई और वो उसी ड्रेस में आई जिसमें तुम चाहते थे। और मैंने तुमसे ये कहा कि देखो बारी बारी से आओ वहां से पीछे, और केवल हाथ मिला के चले जाना। मुझे बताओ तुम ऐसा करोगे कि ना? तुमसे बोला क्या था? तुम करके क्या आ रहे हो? CAO को बोला, बोले जा पानी निकाल के आना। ये भाई साहब एसिड बेस रिएक्शन करी आएंगे। नहीं समझे आप मेरी बात को? मुझे बताओ ये बेस है या एसिड? और ये क्या है? एसिड। इसको बोलना, इसको बोला केवल जा पानी सुखा के आना, ये कुछ और करके आया। P4O10 को भेजा रहा, रुक तो जाओ तुम, बताओ ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है? सोच के बोलना, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना, एसिडिक है। बोले अब तो एसिड एसिड है, अब तो रिएक्शन नहीं होगी। सही बात है, मैंने कहा ठीक है। इसको भेजा, इसको बोला, बोले पानी निकाल के आ जाओ। इसने ऐसा पानी निकाला, इसकी शक्ल बिगाड़ गई। देखो HNO3 अबे क्या कर रहा, नीचे आ रहा, रुको। HNO3 ने HNO3 को सुखा के नहीं आया है, इसको इसका कंपाउंड ही बदल दिया इसने। रिएक्शन करके पानी निकालता गया और कंपाउंड ही बदल गया, जाने क्या N2O5 बन गया। देखो कैसे बना होगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे बना होगा। HNO3 को डबल करो आप, डबल करके लिखवाओ यहाँ H2N2O6। ये इसमें से H2O का कंटेंट निकालो आप, H2O निकालो, H2 और एक O निकाल दो, तो क्या वो बच जाएगा? तो ऐसा हो गया मामला। तो इसको भी नहीं भेजा, बोले तू ज्यादा करके आ रहा कुछ। हाँ, इतना भी नहीं, केवल उसके मोटर मॉलिक्यूल निकालने हैं और HNO3 को बने रहने दे भाई, HNO3 ही रहने दे उसको, N2O5 में मत बदले। NHydroCACL2 को भेजा, NHydroCACL2 को थोड़ा सा आपको एक अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। NHydroCACL2 किससे बना होगा? अच्छा एक बात बताओ, CACL2 एक सॉल्ट है, बताओ एसिड बेस कौन सा होगा इसमें? CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl, ऐसे ही सोचना अब हमेशा। ठीक है, इसको भेजा, बोले मेरे अंदर बेस है, मैं भी रिएक्शन कर आऊंगा सामने वाले से। किससे? किससे रिएक्शन कर आएगा? HNO3 से। इसको सुखाने भेजना था, ये भी रिएक्शन कर आएगा, ये इसमें से बेस उठ के इससे रिएक्शन कर लेगा और ये बच जाए। बचा कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ओसवाल्ड प्रोसेस टू डिहाइड्रेट HNO3, और कंसंट्रेटेड बनाने के लिए उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है। बताइए, चारों याद हो गए होंगे आपको? हो गए, याद हो गए, हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ऐसी बात नहीं है, इतनी देर से आप निहार रहे हैं इसको। कंसंट्रेटेड H2SO4 तो याद हो ही गया, बाकी के तीन P4O10, चूना CO, और एनहाइड्रस CaCl2। ओसवाल्ड प्रोसेस मैं बोलता हूं पहले, केवल सुनेंगे आप फिर बोलने का मौका दिया जाएगा आपको, पहले सुनेंगे केवल। NH3 प्लस O2, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन जाएगी, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। NH3 प्लस O2 gives NO, H2O नहीं लिख रहे अपन, ठीक है, लिख लेना आपकी इच्छा। NO में फिर आपने O2 मिलाया,
तो एनओ टू बन गया, फिर एनओ टू में पानी मिलाया, दो एसिड अलग अलग बने, उसमें से एक का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया और उसमें जो एनओ निकली वो एनओ काम आ गई, रिसाइकलिंग हो गई। क्या आप सुना देंगे? अच्छा, सॉल्वे प्रोसेस में याद करो एनएच थ्री था क्या? क्या यहाँ पे भी एनएच थ्री है? वहां कौन था और कौन था? सीओ टू। यहाँ कौन है? ओ टू। थोड़ा थोड़ा लिंक हो जाएगा, इससे भूलेंगे नहीं आप। मतलब बहुत सारी लिंक वाली बात बता दी है मैंने आपको, ठीक है, अब नहीं भूलने चाहिए आप। सॉल्वे प्रोसेस सुनाइए, एनएच थ्री प्लस सीओ टू। अच्छा, मॉइस्चर चाहिए क्या? जबी कार्बोनेट बनेगा, बताओ। कार्बोनेट बनाने के लिए मॉइस्चर का कंटेंट होना चाहिए। यस, कार्बोनेट बनेगा, उसके बाद सीओ टू एस टू और मिलाया तो बाई कार्बोनेट बनेगा। बाई कार्बोनेट में NaCl मिला दिया भाई साहब, NaCl। मुझे बताओ Na उस HCO3 को लेके चला जाएगा, NaHCO3 is sparingly soluble, मतलब उसको अलग गरम कर दिया जाएगा और Na2CO3 बना दिया जाएगा। क्या आपने सॉल्वे प्रोसेस पढ़ रखा है? अच्छा, इसमें रिकवरी होती है किसी की, रीजनरेशन होता है। अमोनिया NH4Cl में से कोई सस्ती चीज मिलाते हैं, CaO, CaO मिलाते हैं, जिससे कि वो क्या है, NH3 इधर बन जाता है। उस वर्ड सुनाइए, NH3 plus O2 gives NO, NO plus O2 gives NO2, NO2 plus H2O, दो अलग अलग ऐसे HNO2 और HNO3, HNO2 का disproportionation, क्या क्या बनेगा, HNO3 plus NO, NO की recycling, HNO3 जो बना वो पानीदार या नॉन पानीदार? पानीदार बना, पानी खींचने वाले चार एजेंट, उनमें से एक काम आएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, बाकी के तीन काम नहीं आएंगे। तुम्हें समझ में आ गया क्यों नहीं आएंगे? अरे अमोनिया को बोला, बोले तुम अमोनिया को सुखाने जाओ, बोले वो चारों तुम आओ और इन्हें सुखा के जाओ। बताओ अमोनिया बेस है या एसिड? क्या कंसंट्रेटेड SO4 को भेज दूं? उसको बोलोगे तू सुखा के आ, वो कुछ और करके आएगा, नहीं समझे आप मेरी बात को? बताओ वो क्या एसिड बेस रिएक्शन कर आएगा? दूसरा P4O10, बताओ P4O10 एसिड है या बेस? एसिड, P4O10 एसिड है। मुझे बताओ P4O10 एसिड है तो इसको एसिड को बोला, बोले जा पानी सुखा के आ इसका, बोले सुखा के आएगा क्या? ये कुछ और करके आएगा, क्या एसिड बेस कर जाएगा? बताओ CaO को भेजा, क्या ये हो सकता है इसको सुखा के आए? यस, अमोनिया कैन बी ट्राइड बाय CaO। क्या याद हो गया? समझ में आ गई आपके बात? बोले चौथा भी समझा दो यार, वो क्यों नहीं भेजा होगा? अब आप भी बताओ ना क्यों नहीं भेजा होगा? बताओ, एक एनहाइड्रस CaCl2 था, CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl, बताओ क्या इसमें HCl है? NH4Cl बनाया आएगा। याद आ गया, याद हो गया भैया, हो गया वो स्वर्ल्ड, याद हो गया। लिखो, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डालें, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें सबसे पहली हाइड्रोजन डालिए HNO3, it can be prepared by Ostwald process, it can be prepared by Ostwald process, it can be prepared by Ostwald process. मैं भूल गया था कि ऑनलाइन चल रहा है। can be prepared by Ostwald process. नीचे Ostwald process में पहले रिएक्शन लिखिए,
NH3 is oxidized by O2. NH3 is oxidized by O2. बिल्कुल मैं बता रहा हूं जैसे लिखिए, NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O2, ये एक स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद नीचे रिएक्शन लिखिए। NH3 प्लस O2 गिव्स NO, NO पे लिखी साइड में न्यूट्रल, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है प्लैटिनम, तो वो जो एरो आप लगाते हैं उस पे ऊपर प्लैटिनम लिखिए, इसमें प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज किया जाता है। फिर NO प्लस O2, NO प्लस O2 गिव्स NO2, NO प्लस O2 गिव्स NO2, NO2 पे कलर लिखिए साइड में, हाँ रेड ब्राउन भूरा लाल ब्लू सही है जी बिल्कुल। और इसमें ये एसिडिक है या क्या है, ये न्यूट्रल है क्या है, ये है एसिडिक है क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड है, एसिडिक है, एसिडिक लिख दीजिए बिल्कुल सही है, पैरामैग्नेटिक है। और थर्ड रिएक्शन लिखिए NO2 प्लस H2O, दो एसिड बनाइए अलग अलग, और HNO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन कर दीजिए, उस पर लिख दीजिएगा इट इज अनस्टेबल एसिड एंड इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। Is unstable acid and it undergo disproportionation. हाँ क्या क्या बन गया था, disproportionation में क्या हुआ था, HNO3 plus NO, और उस NO पे क्या लिखोगे, recycled, हाँ it is recycled. फिर नीचे लिखिए वहां पे HNO3 obtained by Ostwald process, HNO3 obtained by Ostwald process can be concentrated by adding dehydrating agent कौन सा, concentrated H2SO4, by adding concentrated H2SO4 फिर नीचे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लिखिए चार को, डिहाइड्रेटिंग एजेंट थे चार, एक आपको याद है ही कंसंट्रेशन सुपर, दूसरा एक P4O10 और CaO भी था
और क्या था, एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 P4O10 जो है उसका स्ट्रक्चर यही बना दीजिए। देखिए इधर देखिए, लिखना छोड़िए एक मिनट, देखिए ये POPOP ऐसे करके घुमा दिया है, चार पी चार ऑक्सीजन को घुमा दिया, टोटल आठ लगाए हैं। गलत लग गया क्या, दो तीन चार है ना, सही है ना, ये चार फास्फोरस चार ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अब फास्फोरस के कितने बॉन्ड हो गए, दो, ऑक्सीजन के बताओ, ऑक्सीजन पे बॉन्ड लगाऊं और या फास्फोरस पे, क्या पांच बना सकता है, ऐसे कर सकते हैं, चार और लग गए, टोटल कितने हो गए, आठ, आठ ऑक्सीजन लग चुके हैं, दो और लगाने हैं। तो अच्छा ये बताओ, ये पीओपी बॉन्ड है, ये भी पीओपी बॉन्ड है, ये पीओपी इधर भी आ गया और एक और पीओपी इधर, ऐसे देखिए बताओ इसमें कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है। आप बस यही बात हो जाती है, ये रिप्रेजेंटेशन को आप क्यों देख रहे हो, आप रिप्रेजेंटेशन के ऐसा क्या हो गया, ये ऐसे दिखेंगे क्या कोई, ये तो बनाने का तरीका है। कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन, छह, क्यों, इस ऑक्सीजन ने ऐसा क्या कर लिया जो ये नहीं कर रहा, ये भी तो वही है पीओपी है। अब मैंने वो बना ऐसे दिया, आप ऐसे बना दो यार, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है, आप मैंने ऐसे बना दिया तो वो पीओपी ब्रिज नहीं दिख रहा भाई साहब, ब्रिज नहीं दिख रहा, अरे तो ब्रिज दिखा लो उसको, ऐसे दिखा लो, लो समझ रहे हो मेरी बात को, बनाओ P4O10 का स्ट्रक्चर बनाइए, नहीं मैं नहीं मिटा रहा, मुझे वापस बनाना पड़ जाएगा लिख दीजिए, बताओ अमोनिया को डिहाइड्रेट किससे किया जा सकता है, सीएओ, क्योंकि बाकी सब क्या रिएक्शन कर लेंगे, तो आप एक ऐसे एक लाइन ऐड कर दीजिए ऐसे ही कि अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय सीएओ, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय सीएओ, ओस्वाल्ड प्रोसेस की लास्ट रिएक्शन बताओ, लास्ट, एक मिनट मैं बोलता हूं ये लास्ट है क्या बताना, NO2+H2O, एक मिनट सुनिए, यही लास्ट है आपको, जो जो आपको, एक मिनट सुन लीजिए, जो आपको बताया गया है ना कि HNO2+HNO3 बना, फिर HNO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, NCERT में पता है कैसे लिखा होता है, ऐसे NCERT में ऐसी रिएक्शन लिखी हुई, NO2 प्लस पानी गिव्स HNO3 प्लस NO, ये रिएक्शन लिखी हुई है ओस्वाल्ड, तीन रिएक्शन में उन्होंने खत्म कर रखा है, NH3+O2 लिख रखा है, दूसरा NO2+O2 लिख रखा है, और तीसरी ये क्या आपके समझ में आ गई, ये आ गई होगी ना समझ में, पर क्या इस रिएक्शन के बीच में एक ऐसा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं कर सकते थे, वो स्टेप आपने पहले पढ़ा हुआ है टाइप 1 मिक्स एनहाइड्राइड, वहां मैं उसको इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको यहां तकलीफ ना आए, डायरेक्ट रिएक्शन अगर मैं लिख भी दूं NCERT में आप देख भी लो तो एटलीस्ट आपको डाउट ना आए कि NO2 में पानी मिलाया तो ये डायरेक्ट कैसे बन गया,
दो एसिड मिलेंगे, फिर HNO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। तो वो जो आपने लास्ट में रिएक्शन दो करके लिखी ना, वो दरअसल एक ही रिएक्शन। सुनिएगा मेरी बात को एक मिनट आप। HNO3 का NO से भी अच्छा खासा रिश्ता है और NO2 से भी, यानी न्यूट्रल ऑक्साइड से भी रिश्ता है और एसिडिक से भी। NO2 में पानी मिलाओगे तो HNO3 बनेगा, अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। HNO3 नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस फाइव, आपको ये अच्छे तरीके से याद है। बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है? तो खुद का रिडक्शन मतलब कौन सा एजेंट? बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बढ़िया। चाहे कंसंट्रेटेड HNO3 हो, चाहे डाइल्यूट HNO3 हो, चाहे वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, हर बार ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन या खुद का? सामने वाले, खुद का तो क्या करेगा, रिडक्शन। अब बताओ नाइट्रोजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है? बताओ खुद का रिडक्शन करके वो कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, बट उसका रिश्ता किस किस के साथ बोला था मैंने अभी? बताओ किस किस के साथ बोला? क्या NO2 के साथ बोला, NO के साथ बोला, न्यूट्रल के साथ बोला मैंने, न्यूट्रल और एसिडिक दोनों के साथ। तो न्यूट्रल बोलो पहले, तो दो न्यूट्रल बोलो, NO और N2O, और जिससे ये बना वो NO2 है। नहीं समझ पा रहे आप? मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपको याद हो जाए, नहीं तो वो रटना पड़ जाता एकदम से। लिंक बनाइए, एक लिंक कैसे बनाएंगे आप? किसमें आपने पानी मिलाया था जब ये बना था? NO2 में। तो इसका मतलब ये जब जब रिएक्शन करेगा या खुद रिड्यूस होगा तो NO2 में जा सकता है, और उन दो न्यूट्रल में भी जा सकता है, NO और N2O। इधर देखिए, जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, जब जब कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन आएगी तब तब वो NO2 ही निकालेगा। कंसंट्रेटेड लिख दिया तो NO2 आएगा। मैंने क्या कहा था आपसे, ध्यान सुनिए, अब आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे, ध्यान सुनिए, मजाक मस्ती छोड़ दीजिए एकदम, अभी थोड़ी देर के लिए रिएक्शन आएंगे। अब कंसंट्रेटेड हो, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे वेरी डाइल्यूट हो, तीनों केस में ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब तीनों मीडियम, मतलब मीडियम से मतलब तीनों फेज में, जब ये पानी ज्यादा है या कम है, ये अपना असर ऑक्सीडाइजिंग ही दिखाता है। खुद का क्या करेगा? रिडक्शन, हर हाल में करेगा, अगर सामने वाला अलाउ करता है तो, रिडॉक्स खेलने के लिए। मुझे बताओ नाइट्रोजन के ऊपर प्लस पांच है, क्या नाइट्रोजन प्लस चार में जा सकता है? नाइट्रोजन प्लस वन में जा सकता है? नाइट्रोजन प्लस टू में जा सकता है? बताओ ये तीनों के प्रोडक्ट्स याद हैं क्या आपको? बोलो प्लस वन का ऑक्साइड बोलिए, वो भी आप सही बोल रहे हैं, ऑक्साइड बोलिए N2O, प्लस टू का NO, ऑक्साइड बोलिए है ना, हाँ, और प्लस चार का NO2। ये तीन ऑक्साइड्स में कहीं ना कहीं जाएगा, और जब जब कंसंट्रेटेड HNO3 होगा तब तब गारंटी NO2 निकलेगा हर बार। तो यहाँ NO2 निकल जाएगा, इसका मतलब मुझे बताओ, या नाइट्रोजन के ऊपर प्लस फाइव था या प्लस फोर हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अच्छा, इसने इसने कंसंट्रेट HNO3 ने इस जिंक का क्या किया होगा? ऑक्सीडेशन। जिंक जीरो में है, जिंक के ऊपर भी केवल और केवल प्लस टू ही होता है, जैसे बोरोन के ऊपर केवल और केवल प्लस थ्री, फ्लोरीन के ऊपर केवल केवल माइनस वन, फ्लोरीन माइनस वन, बोरोन प्लस थ्री, जिंक प्लस टू, स्ट्रिक्ट है एकदम, कुछ नहीं होगा। और बताइए जिंक के ऊपर अगर प्लस टू बना तो जिंक का नाइट्रेट बना दीजिए, नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। बोलो सही है? और देखो कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2। अरे वो मतलब वो समझाते टाइम ऐसे लिख दी मैंने, रिप्रेजेंटेशन यही है लिखने का। समझ में आ गई, कंसंट्रेटेड लिखा तो वही, और वही सेम प्रोडक्ट, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट के बारे में आपको नहीं पता है,
कंसंट्रेटेड HNO3 आएगा हमेशा क्या निकलेगा NO2। डाइल्यूट में नहीं कहा मैंने कि हमेशा कुछ ऐसा निकलेगा या वैसा निकलेगा, पर हां पॉसिबिलिटी पता है तुम्हें, पॉसिबिलिटी पता है तुम्हें, ऐसे याद रख लो नो चू, ये चू और नो निकल जाएगी। और जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 में रिएक्शन में दूसरी न्यूट्रल निकल जाएगी। बताओ ये एक और न्यूट्रल, दूसरी न्यूट्रल बनाओ ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O। क्या ये लाफिंग गैस भी है? क्या ये भूरा लाल भी है? डेंटल सर्जरी में काम आती है? ये नहीं आती है। आती है, आती है। इतनी ध्यान से देख रहे थे, याद हो ही गई होगी। हाँ सुनाओ, मैं बोलता हूं उसकी सुनाओ पहले। Zn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कौन सी गैस? NO2। और प्रोडक्ट तो याद ही है, जिंक का नाइट्रेट। हाँ बोलो क्या फॉर्मूला है? Zn NO3 का होल ट्वाइस, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या इसमें भी NO2 निकलेगी? और फोवो क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस। क्या जिंक पे ऑलवेज प्लस टू है? बताओ कॉपर पे क्या आया था? यहां जीरो से प्लस टू ही आया, उसपे भी सो ही प्लस टू ही आया। पर कॉपर प्लस वन में भी होता है, प्लस टू में भी होता है, इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं है कि भैया कॉपर ऐसे बोल दूं कि मैं कुछ भी बना दो। नहीं, जिंक में आप जो भी बनाएंगे प्रोडक्ट उसमें प्लस टू ही दिखेगा। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 NO, वो नो चू से याद रख लो, और जो बचा खुचा है वो N2O। क्या याद हो गई आपको? आप फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप उसको पिक्चर्स कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हो? पिक्स कहते हो ना, PICS, पिक्स। ये फॉस्फोरस आयोडीन कार्बन सल्फर के साथ रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3। अबे रटना सिखा रहा हूं तुम्हें, इधर देखो वो करते रहते जने क्या। बताओ कॉन्सेंट्रेट HNO3 है, अभी क्या कहा था मैंने? बताओ क्या NO2 भी निकलेगी? NO2 निकल गई। अब फॉस्फोरस के साथ क्या हुआ होगा? बताओ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन हुआ होगा, उसको फेंका उठा के प्लस पांच में हाईएस्ट। बोलो फॉस्फोरस के ऊपर प्लस पांच का प्रोडक्ट क्या? H3PO4 बना सकता हूं क्या मैं? बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। आयोडीन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, बताओ आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन। बहुत ज्यादा उचकाना पड़ जाएगा प्लस सेवन में ले जाने के लिए, इतना भी नहीं हो पाता इससे। दूसरा तुक्का मारो प्लस फाइव, जीरो में है आयोडीन के ऊपर HIO3 प्लस NO2। नाम बोलिए इसका, गलत मत नाम लेना, फालतू नहीं, सोच समझ के। आयोडीन के ऊपर एक मिनट, आयोडीन के ऊपर प्लस पांच है, इसको पराआयोडिक बोलूं क्या? आयोडिक बोलूं? आयोडस बोलूं क्या? कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, यार तुम कंसंट्रेटेड HNO3, मुझे बताओ क्या NO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। अब बताओ कार्बन के ऊपर प्लस चार मैक्सिमम होता है, बताओ कार्बन प्लस चार का एसिड H2CO3। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ H2CO3 का सामने आपके, ये C OH OH डबल बॉन्ड O। कुछ याद आया? कुछ याद आया? बताओ एक कार्बन पर दो OH, पानी निकल जाता। बताओ क्या H2CO3 को क्या मैं CO2 प्लस पानी लिखूं? तो ये हटाओ, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। पुराना याद होगा तो ही समझ में आएगा। पुराना बताया था आपको कि H2CO3 में सल्फर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3,
अब ये आना चाहिए आपको यार, तीन बता दी। देखो एनओ टू तो पक्का है ये, दूसरा बोलो प्लस सिक्स में ले जाओ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। बताओ कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से, एनओ 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 निकलेगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से N2O, जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से NO2, और ये भी याद होंगे आपको। पिक्स फॉस्फोरस आयोडीन कार्बन सल्फर, बताओ फॉस्फोरस जीरो से कहां जाएगा +5, आयोडीन जीरो से +5, कार्बन जीरो से +4, +4 जाएगा और सल्फर जीरो से +6, समझ में आ गए। लकड़ी की बिल्डिंग में आग जल्दी लगती है या एल्यूमिनियम, कुछ याद आया, बताया था एल्यूमिनियम में आग लेट लगती है जल्दी, क्या गर्म होता रहता है फिर लगती है, बताओ क्या बुझती भी लेट है, एक बार लगती तो बुझेगी भी लेट, मुझे बताओ जरा। एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, पर बेरिलियम बनाता है। अरे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के तेढ़े रिश्ते बताए थे आपको, डायगोनल रिलेशन एस ब्लॉक, वहां एक बात बताई थी कि बेरिलियम एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, कुछ याद आने नहीं आया तो पलटे पलटो, नहीं याद आ रहा हो तो पन्ने पलट लो, अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। बताओ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 एज दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर। पुराना पढ़ोगे तो ही नया में समझ में आएगा, और नहीं याद आया तो आप डायगोनल रिलेशन खोल लो एस ब्लॉक में, आपको वहां लिखा होना चाहिए, और एक बार देख भी लो, कंफर्म भी कर लो कि लिख तो रखा है ना। बेरिलियम एल्यूमिनियम ये कैसा एस ब्लॉक, इधर तो नोट्स तो लिख ले भाई, आगे पढ़, आगे गड़ा क्या लिखा होगा आगे। और आगे देख, ये देख यहाँ लिखा होगा कहीं, बुरा लिखा लिखा है, लिखो अब लिखना चालू करो। HNO3 is a strong oxidizing agent. अरे HNO3 चल रहा है ना भैया, टॉपिक कहाँ बदला है, HNO3 पढ़ रहे हो ना आप, पहले आपने प्रिपरेशन की उस वर्ल्ड प्रोसेस से, अब आप उसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, रिएक्शन लिख रहे हो। HNO3 is a strong oxidizing agent. Whether it is in क्या लिखना चाहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑब्लिक डाइल्यूट ऑब्लिक वेरी डाइल्यूट, वेदर इट इज इन कंसंट्रेटेड ऑब्लिक वेरी डाइल्यूट फॉर्म। नेक्स्ट लाइन लिखिए, concentrated HNO3 get reduced into NO2, concentrated HNO3 get reduced into NO2 it can oxidize, comma laga ke isme aage likhi, it can oxidize metals like copper zinc non-metals like
फास्फोरस आयोडीन कार्बन सल्फर वो चार रिएक्शन लिखिए पहले वाली यानी कॉपर जिंक वाली रिएक्शन लिखिए चार रिएक्शन लिखिए और पिक्स वाली उनके नीचे लिखिएगा मतलब टोटल आठ रिएक्शन लिखिए मॉड्यूल नंबर पांच लाए हो yes, sir. अभी अभी रुक जाओ अभी 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 करते हैं अभी सॉल्व एक मिनट रुक जाओ एक दो बातें और कर लेते हैं पहले बताइए आठ रिएक्शन लिखे आपने yes, हाँ देखिए एक बार चेक करिए कॉपर की भी दो लिखी होंगी जिंक की दो लिखी होंगी कॉपर की कंसंट्रेशन NO3 से CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 कॉपर की डाइल्यूट के साथ CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO जिंक प्लस कंसंट्रेटेड NO3 के साथ रिएक्शन ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 और जिंक की रिएक्शन डाइल्यूटेड NO3 के साथ ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O उस N2O पे साइड पे लिखो न्यूट्रल लाफिंग गैस इट इज यूज्ड इन डेंटल सर्जरी N2O पे न्यूट्रल लिखिए और यूज्ड इन डेंटल सर्जरी लिखिए लाफिंग गैस स्ट्रक्चर बनवा सकते हो क्या इसका हैं ये देखो ये ऐसा बनेगा क्या एन ओ एन कैसे बनेगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट हो पहले बना रखा है शायद N2O ये चार रिएक्शन लिखी आपने है ना
थर्ड वाली सही लिख, जेड एन प्लस डाइल्यूट है। फिर पिक्स के साथ रिएक्शन लिखी आपने, फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन होती है H3PO4, चेक कर लीजिए एक बार, सही लिखी है ना आपने H3PO4 प्लस NO2। आयोडीन की HIO3 प्लस NO2, कार्बन की H2CO3 भी लिखो वहां, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये कैसे क्या हुआ था। H2CO3 लिख के फिर उस पे CO2 प्लस पानी लिखिए, H2CO3 का स्ट्रक्चर भी बनाइए और उसके नीचे ये बात भी लिखिए कि दो OH अनस्टेबल हैं कार्बन पे। कॉन्सेंट्रेशन थ्री और सल्फर की रिएक्शन कंसंट्रेशन थ्री से जीरो से प्लस सिक्स में चला गया, बोलो क्या बनेगा H2SO4 प्लस NO2। उसके नीचे लिखिए बेरिलियम मेटल्स लाइक, ऐसे लिखिए मेटल्स लाइक मेटल्स लाइक, ब्रैकेट में लिखिए एम्फोटेरिक मेटल्स, कहीं भी लाइन की फॉर्म में लिख दीजिए मेटल्स लाइक, ब्रैकेट में लिखिए एम्फोटेरिक मेटल्स, ब्रैकेट बंद, मेटल्स लाइक बेरिलियम एल्यूमिनियम क्रोमियम एसएन एटसेट्रा, सारे नहीं है मतलब ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं और आप तो पीबी भी लिख दो एटसेट्रा हटा दो, बस ये चार ही ध्यान रख लो आप तो, बेरिलियम एल्यूमिनियम क्रोमियम एसएन पीबी पांच हो गए। Does not react with concentrated HNO3. Does not react with concentrated HNO3 as they form oxide layer on their surface, as they form oxide layer on their surface. अच्छा ये गोल्ड जो है ये नोबल मेटल है क्या? प्लैटिनम है, गोल्ड और प्लैटिनम भी इससे रिएक्शन नहीं करते कॉन्सेंट्रेशन ओ थ्री से, मतलब बड़ी बात है कॉन्सेंट्रेशन ओ थ्री इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ओ थ्री अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा गोल्ड और प्लैटिनम को, उनको ऑक्सीडाइज करने वाला एक्वारीजिया बना है, क्या बना है एक्वारीजिया, ये आ जाएगा अभी थोड़ी दिन एक दो दो तीन लेक्चर बाद आ जाएगा सामने, तो इस बात को भी लिख देते हैं गोल्ड एंड प्लैटिनम एयू एंड पीटी, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन ओ थ्री, but they can react with aqua regia, but they can react with aqua regia, इसको अभी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है aqua regia एक content होता है composition है HNO3 और HCl का, कुछ 1:3 के रेशियो में उसको ले लेते हैं और उससे ये रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को देख लेंगे वो अभी हेलोजन फैमिली में पढ़ लेंगे, नहीं तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन नोट करिए जो आपको अभी करने हैं और कॉपी में जरूर नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला, आपको ये अभी सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 55 क्वेश्चन नोट करिए, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज 55 पे क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव
सिक्स टेन एटीन ट्वेंटी। हाँ अच्छा, पिछली बार दिए थे क्या सारे? कोई बात नहीं, जो हो गए हो तो ठीक है, हो गए हो कोई बात नहीं, नहीं हो गए हो तो ठीक है कर लेना, है ना। ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टी नाइन फिफ्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट सिक्सटी सिक्स फिफ्टी सिक्सटी सेवन सेवेंटी सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन एट्टी वन अभी करने हैं। बीस सवाल हैं, जल्दी लगाओ, तुरंत तुरंत हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रखा है, ये देखिए ये बहुत बढ़िया तरीके से करता है ये सवालों को, ये बिल्कुल ये है ना, इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन लिख लिए, इसी के आगे ऑप्शन डाल देंगे और एक साथ आंसर की में मिलाइए ताकि पता लगेगा कि क्या नेगेटिव हो गया। और मॉड्यूल नंबर पांच डेली लाइए। रेस भी लेकर के आइए, बढ़िया है रेस।